जय भीम साथियों, साथियों हम लोग गुनियाना गांव में है और यहां पर कितनी तारीख को बता दीजिए, 19 तारीख को रात को शनिवार का दिन है। उस दिन हमारे समाज की एक बहू को रात को यहां के कौन सी जाति के लोग थे, राजपूत जाति के चार पांच लड़के उठा करके ले जाते हैं और उसके साथ जो उन्होंने किया हम लोग व्यय भी नहीं कर सकते। और ये सारी घटना की जानकारी ये जो भाई हमारे साथ बैठा, क्या नाम आपका, तेजपाल जी, इनकी घरवाली है ना, ये इनके चाचा जी हैं, ये बताएंगे कि क्या क्या हुआ था और अभी तक क्या नहीं हुआ, क्या पुलिस दर्ज एफ आई आर दर्ज हुई लेकिन अरेस्ट हुए नहीं हुए, क्या नहीं हुआ अभी तक, कोई जेल गया नहीं गया, थोड़ा बताओ एक बार आप ना। सर रात को 2 बजे के कोई बात नहीं, सुबह बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। रात को 2 बजे के लिए गए थे, उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट करी, उसका गाड़ी नंबर था, उसका मोबाइल नंबर था, कोई डिटेल भी निकाली, सब ये बोलते कि वो कुमार, उसने अब तक ये पुलिस में ये नहीं बताया, अपने फोन का पैटर्नर भी नहीं बताया उसको, क्या मनवा दो जिसने पैटर्नर नहीं खुलवा सकते, वो क्या क्या बताएगा, उन्होंने अपना तो करा रखा। तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ इसमें? अरेस्ट तो अभी तक वही है, उसको जेल भेजा, अभी तक सी अरेस्ट नहीं किया होगा, वैसे बिठा रखो, वैसे बिठा रखा है, कोई कार्रवाई नहीं ना इसमें। साथियों इसे ये कितनी बड़ी घटना है और इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं, एफआईआर जबकि कर रखी पुलिस ने, ये एफआईआर है इसमें एक्टिंग लगाया, लेकिन इसमें सारे सेक्शन जो जरूरी सेक्शन होते हैं किसी भी कॉज को कंप्लीट करने के लिए, वो कोई भी सेक्शन इसमें नहीं लगाया ढंग से उन लोगों ने। और वहां से लड़का कोई उठाया था, उसको ना पेश किया कोर्ट में, ना कहीं और किया, ना जेल भेजा, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पर ये सारे गाँव के लोग, अखबार दिखाना, ये सारे के लोग गवाह इस बात का कि यहाँ पर जो न्याय है वो पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा। क्या ये घटनाएं हमारे समाज की बहन बेटियों पर क्यों होती है? मैंने हरियाणा में कभी नहीं सुना किसी जाट की लड़की के साथ बलात्कार होगा, किसी ठाकुर की लड़की के साथ बलात्कार होगा, ये हमारे लोगों के साथ ही क्यों होती है? क्योंकि हमारा दबा कुचला समाज है, अभी इन लोगों में समझ ही नहीं है कि लड़ना कैसे है। तो साथियों हर किसी के लिए हमें हाथरस की तरह आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाके ये एफआईआर करेंगे, जब जाके ये लोगों को अरेस्ट करेंगे। तो हम लोग एक हफ्ते का टाइम देते हैं यहाँ के प्रशासन को, या तो इस जो जघन्य अपराध है इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो अगली जो तारीख तय करके इन लोगों के साथ हम लोग यहाँ के डीसी कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेंगे और सारा का सारा जो भी इसमें दोषी है उन लोगों को जेल पहुंचाने का, उन लोगों को फांसी की सजा के लिए हम लोग डिमांड करेंगे। तो मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान मिले और इस पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा इस प्रदेश में जो हो रहा है हरियाणा में, अभी थोड़े दिन पहले झज्जर में भी हुआ, हम लोग कल वहां भी जाएंगे, क्या हमें अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? या किस तरह ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग हथियार उठा लें? क्या हम लोग इतने कमजोर नालायक समाज में पैदा हो गए जो अपने हक और अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता? तो आप लोग ये ना समझे कि हमारा समाज कमजोर है, हमारे युवा साथी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हैं यहाँ के गांव के जिन्होंने जानकारी दी, ये युवा साथी हैं। क्या नाम है भाई आपका? सोनलाल भाई। आपका क्या नाम है साहब? ऋषिपाल भाई। ये सारे जागरूक साथी हैं जो यहाँ पर समाज का काम करते हैं, इन लोगों ने हमें यहाँ के बारे में अवगत कराया। अशोक डाबड़ा जी हैं जो सबका श्रीराम ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेमपाल भाई है जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये सारे लोग हमारे साथ आए हैं। और समाज किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर ना समझे, आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जितने समाज के यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम लोग इन चीजों के जिम्मेदार खुद हैं। हम लोग दुश्मन में और अपनों में पहचान नहीं कर पाते, जब चुनाव आता है हम लोग दुश्मनों को वोट देते हैं। मैत्री मेरी बहन बेटियां खड़ी है, तुम्हारी काफी बुजुर्ग भी महिलाएं खड़ी है, क्या कभी सुना है किसी जाट की छोरी का बलात्कार होगा? सुना है? किसी ठाकुर की छोरी का बलात्कार होगा? सुना आप लोगों ने? किसी ब्राह्मण की छोरी का बलात्कार होगा? कभी सुना आपने? क्यों नहीं होते वो बलात्कार? क्योंकि उनके लोग राज में हैं, उनके राज्य उनके सीएम रहे हैं, उनके मंत्री मुख्यमंत्री रहे, और जब तुम्हारे जो लोग वोट मांगने आते हैं वो सारे वहां पर नौकरी कर रहे, समाज का काम नहीं कर रहे। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे बिका हुआ समाज है, ये जो लोग बैठे ना बिके हुए लोग हैं, चुनाव आता है जब दारू भी पीते हैं, पैसे भी लेते हैं, साड़ियां भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन वोट गलत आदमी को देते हैं। ये कोई भी पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, अगर आज इस देश में कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी हम कह सकते हैं कि हमारी पार्टी है,
लेकिन आप लोग इस दिखावे में आ जाते हो और दुश्मनों को सत्ता में ले आते हो, तुम्हारे लिए राज नहीं मांगेगा। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया यहाँ पर, मुझे दर्द है मेरे समाज की, मेरी बहन बेटी के साथ गलत हुआ है। हम लोग यूपी में हाथरस 400-500 किलोमीटर चलते गए, जब वहां पर जो है सारे लोगों को पकड़ा गया, वहां पर एक बेटी को, वाल्मीकि समाज की लड़की को, 5 दरिंदों ने ठाकुर जाति के उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और जीभ जो है उसकी जीभ अपने दांतों से काट दी उन दरिंदों ने। कितनी मतलब कितनी घिनौनी हरकत है, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी तोड़ देना चाहिए। तो आप लोग, एक तो मेरा निवेदन है जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, अपनी बहन बेटियों को सिर्फ कॉलेज और स्कूल जाने दिया करो, इनके घरों में काम करने ना जाने दिया करो। इन लोगों की गंदी नीयत है, क्योंकि इनका इतिहास ही गलत है। ये जो लोग हैं आप देख लें, इनके धर्म के ठेकेदार, औरत को जुत्ती के समान समझते हैं लोग। तो आप लोगों को अगर सुरक्षित रहना है तो हमारे समाज के नौजवानों को, आप लोगों को भाई आगे निकलना पड़ेगा। और समाज की कोई, मैं कोई मेरे 4-5 हाथ नहीं लाग रहे, यहाँ सारे लोग सक्षम है, ये जितने भाई हैं सक्षम है, लेकिन आवाज उठाने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा आपको। दुनिया की कोई ताकत आपका शोषण नहीं कर सकती अगर आप ईमानदार होंगे तो, समाज भी आपका साथ देगा। ऐसा नहीं कि हमारा समाज गलत है, समाज सही है, नेता गलत है। समाज के नेताओं ने समाज को लूटा बेचा है, ये कोई समाज का काम नहीं करते। नहीं तो आज मंत्री भी है सरकारों में, सारी तरह के लोग है, लेकिन कोई आवाज ही नहीं उठाता। हमारी बहन बेटी की इज्जत, कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये समझना हमें खुद पड़ेगा भाई, आपस में एक तो बैर भाव खत्म करो, आपस में हम लोग जो है जातियों में बटे हुए हैं, ये जातियां खत्म करनी पड़ेगी आपको, जब जाकर आप लोग एकत्रित हो पाओगे। ये छोड़ दो मैं वाल्मीकि, मैं चमार, मैं धानक, मैं खटीक, मैं पासी, मैं तेली, फलाना का, बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं शेड्यूल कास्ट बनाया, और जिस दिन हम लोग शेड्यूल कास्ट हो गए, पढ़ने लिखने लग गए, इन लोगों को पता चल जाएगा। और ये डरते ही आप लोगों से है कि अम्बेडकर वाद में अगर ये लोग आ गए पूर्ण रूप से तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन इकट्ठे रहो, और एक हफ्ते का टाइम देकर जाता हूँ, मैं आऊंगा आप लोगों के लिए लड़ने के लिए। एक हफ्ते के बाद हम लोग डीसी का कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और आप लोग भी प्रचारित करो इस बात को, दिन तय कर लो आप लोग, ठीक है। हम देखते हैं सारे खट्टर को, उड्डा पुड्डा जितने भी बैठे हैं विपक्ष में पक्ष में, हम देखेंगे कैसे इन लोगों को रेस्ट नहीं करते हैं, और देख लेंगे इनके ठेकेदारों को भी। लेकिन आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, और इस परिवार को खासकर भाई, बिकना नहीं है, बिकना नहीं, क्योंकि हमारे लोग बिक जाते हैं, डरना नहीं है, तेरे साथ खड़े हैं, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है। जब तक बात संवाद से बनेगी, संवाद से बनेगी, नहीं तो अगर हमें हथियार भी उठाने पड़े, हम लोग हथियार भी उठाना जानते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस परिवार को एक तो हौसला बढ़ाए, इस परिवार के साथ खड़े रहे। गलती हमारी बहन बेटी की नहीं है, गलती उन चोरों की है जो गलत लोग हैं। इनके लिए घरों में भी शादियां 5-6 होते थे ना, एक की करते थे ये लोग। इनकी परंपरा वहां से है कि द्रौपदी लेकर आए थे, जब ब्याह करने वाले माँ ये लेकर आए द्रौपदी, बोली बेटा पाचू बांट लो। तो इनकी तो परंपरा ऐसी है, ये लोग कहां बेटी की इज्जत बेइज्जती समझते हैं। तो आप लोगों से निवेदन हाथ जोड़ गए कि इस परिवार का हौसला बढ़ा है, इसके साथ खड़े हम लोग भी आपके साथ है। हमने थोड़ा निकलना है, एक प्रोग्राम में जाना है, तो माफी चाहूंगा, समय कम है। और भाई जो भी गलती वलती तो ही आपस में लड़ाई ना करो, ठीक है, इकट्ठे रहा करो। जय भीम जय भारत, ना रखना, जय भीम।